गाइस एंड वेलकम टू द रॉयल टॉक शो। और भाई तुम देख रहे हो मेरे साथ कौन बैठा है, स्ट्रेट फ्रॉम दिल्ली एनसीआर नोएडा से सिख लॉर्ड एके श्री वर्मा। अगर तुम नहीं जानते मैं तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। पहली चीज जो बहुत अमेजिंग है वो ये है, ये सिर्फ 16 साल का है। ये बंदा R&B प्रोड्यूस करता है, हिप हॉप भी करता है, प्लस ये गाता भी है, प्रोड्यूस भी कर रहा है, प्लस मिक्सिंग मास्टरिंग खुद भी करता है, दूसरों के लिए भी करता है। तो भाई पहले तो हैट्स ऑफ भाई तेरी छोटी सी उम्र के लिए, एंड थैंक्स फॉर कमिंग टू माय शो। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग भाई। तो भाई पॉडकास्ट को अब करते हैं चालू। तो भाई पहले तो सिख लॉर्ड भाई नोएडा से आयो, तेरे को मैंने बोला था मेट्रो लेके आया, ऊबर से आया, ठीक है, कैसा लगा जहाँ हम यहाँ तक आने में सेल्डन दिल्ली तक पहुँचने में? भाई ज़्यादा नहीं लगा यार, बस यहीं पास में लगा था थोड़ा सा, उसके बाद तो आ गया भाई। ऐसे बस शो में बोल रहा है, जाम तो लगा भाई, मैं रोज कॉलेज अप डाउन करता था भाई। तो श्रेय वर्मा अभी तू सिर्फ 16 साल का, एंड कॉलेज भी नहीं, तो अभी स्कूल में 11वीं के कल एग्जाम दे के आया तू आज। 11वीं का फाइनल का आखिरी एग्जाम कल दिया है। कौन सा सब्जेक्ट था? हिस्ट्री। अरे बाप रे, अपने तो हिस्ट्री में वैसे भी डब्बा गुल रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो श्रेय वर्मा से सिख लॉर्ड तक का सफर कैसा रहा तेरा? मतलब तूने नाम कैसे सोचा है, इस फील्ड में आने का कैसे सोचा तूने अभी? भाई नाम का तो चलो बताता हूँ मैं। तो शुरुआत मेरी हुई थी, मैंने पहला जो रैप किया था, क्योंकि मैंने रैप से शुरू किया था, वो मैंने किसी को नहीं बताया था, क्योंकि वही था, डर लग रहा था क्या बोलेंगे लोग वो सब। मेरे को बस इसलिए करना था फॉर द फन ऑफ इट। और मैंने बनाया था कवर, और वो भी बनाया था मैंने उसका रफ्तार का गाना आया था, उस समय 11 साल का था, तो आया था स्वैग मेरा देसी, उसका फास्ट पार्ट है, उसका कवर कर दिया भाई, फास्ट पार्ट आता तुम्हें। मैंने बना दिया, वो बहुत बेकार बना, और मैंने किसी को बताया नहीं, किसी को नहीं बताया। तो फिर उस पर आए थे 9 व्यूज और 2 लाइक थे। फेसबुक पे करा था अपलोड? यूट्यूब पे करा था। तो उस समय किसी ने देखा, फिर वैसे ही था यार, वो एक मूड के लिए कर लिया था ऐसे ही। उसके 2-3 साल बाद मेरे को, मेरे दो दोस्त हैं स्कूल के, आयन और ईशान नाम है, देख रहे होंगे वो भी, उन्होंने मेरे को एक्चुअली रैप के अंदर लाया। वैसे रहता है भाई, मैं जिसका इंटरव्यू देखता हूँ ना, दोस्त लाते हैं, मेरा तो वही था। एक बार मेरे को उसने एक बार सुनाया, अब वो कुछ लिख रहा था, तो उसने मेरे को सुनाया, मेरे को लगा भाई बढ़िया कर रहा है, तो मैं भी करता हूँ। फिर हम तीनों साथ में करने लगे, और हमने क्रू टाइप कुछ बना लिया। फिर उन लोग का इंटरेस्ट हट गया, क्योंकि वो लोग तो ऐसे ही हॉबी के लिए कर रहे थे, मेरा इंटरेस्ट जमा रहा, मैं एक्सप्लोर करता रहा मेरा भाई। फिर मैं पहुंचा इन लोग तक, लाइक पहले से हनी सिंह बादशाह तक पता था, फिर मैंने थोड़ा और डीप देखा, वो पता चला कौन कौन कर रहा है, क्या हो रहा है। तो उसके बाद पता चला होगा कि जमुना पार भी एग्जिस्ट करता है। हां, मेरे को राधा बारे में पता चला, मैंने इतनी सारी चीजें देखी, फिर मेरा बन गया फिर मन की करना है, मैं करने लगा। मैं करते करते फिर मैंने पहले तो बहुत बुरे गाने बनाए, वही एक साल तो मैंने सबसे बुरे गाने बनाए। मतलब ऐसा था कि जब तक मेरे को 2-3 साल नहीं हुआ, तब तक मैं अच्छे गाने नहीं बना रहा। फिर मैं हुआ 13 का था, तब मैंने हसलपुर, तब अंश ने मेरे को अप्रोच किया, हसलपुर के लिए अंश मेरा अच्छा दोस्त बन गया था, बहुत उसका भी काफी हाथ रहा है, मतलब कि मेरे को शेप करने के लिए, क्योंकि हसलपुर मैंने ज्वाइन इसलिए किया था, एज अ सेड मैंने पहले क्रू में काम किया था, तो पता है कितना मजा आता है क्रू में काम करने के लिए, मैंने मजे के लिए किया था, बट मेरे को वहां जितना सीखने को मिला, क्योंकि अंश खुद प्रोड्यूस करता है, मिक्स मास्टर करता है, वीडियो एडिटिंग भी करता है, उस बंदे से इतना मैंने सीखा है भाई, उसकी वजह से मैंने किया था। और अब सारे लोग हैं, रैथ है, बेलिकोस, पर्व, वेदा, इन सबके साथ मतलब काम करते आ रहा हूँ तब से, अर्जना, तो वही हम लोगों ने तब वहाँ शुरू किया था। तब मेरा नाम पहले, इससे पहले हसलपुर से पहले मेरा नाम रखा हुआ था मैंने, क्योंकि बच्चा था, बच्चे वाली थिंकिंग कूल बनना है, क्योंकि मेरे को 13-14 साल का था। हाँ भाई, मैं 13 नहीं 11 का जब पहला बनाया था ना, तब से भाई रैप मैन नाम रख लेता हूँ, कूल लगूंगा भाई, रैप मैन नाम रख दिया, ठीक है, इतना बुरा नाम, इतना ट्रोल हुआ मैं स्कूल में उसके लिए, बहुत गंदा, गाने भी गंदे। मैं सोचा यार पूरा रीब्रांडिंग करते हैं, बैठा हुआ सोच रहा हूँ क्या नाम रखूँ क्या नाम रखूँ। थोड़े बहुत टर्म्स होते हैं, स्लैंग्स वगैरह, लिट, ये सब, सिक आया दिमाग में, सिक काफी अच्छा था, तो मैंने सोचा हिप हॉप से रैंक करवा देता हूँ, तो वैसे ही दिमाग में आ रहे थे सिक शॉट रख लेते हैं भाई। फिर मैंने देखा यार ये भी ऐसा ही है, तो मैंने सिक लॉट नाम रखा, ऐसे ही आ गया दिमाग में मेरे, ये रख लेते हैं कैची लग रहा है। और फिर मैंने देखा इसका कोई मतलब नहीं है, अगर इसका कोई मतलब नहीं है तो गूगल पे सिक लॉट सर्च करके मैं ही आऊंगा, मतलब है नहीं, कोई और आर्टिस्ट नाम रखेगा नहीं इसका भाई। फिर वो मेरे लिए काफी दूर तक का सोच ले तूने अपने सिर्फ नाम नाम में। एंड लेजिट भाई, अगर कोई होता है ना कि लाइन अप आ रहा है, एंड भाई सिख लॉर्ड परफॉर्म कर रहा है, चाहे ओपन सेट हो चाहे जो भी हो, तो सिख लॉर्ड सुनते ही ऐसा लगता है कि ये बंदा कुछ अलग करेगा, हटके करेगा, क्योंकि ये नाम ज्यादातर सुना नहीं है लोगों ने। बट आई होप कि एक से एक साल भी ज्यादा बोल रहे हो, तो 6 महीने के अंदर अंदर हर किसी की जुबान पर चढ़ सकता है सिख लॉर्ड। ट्रू भाई। तो अभी जैसे हसलपुर में क्रियो की बात बताई तूने, हसलपुर बेसिकली था, क्योंकि मैंने भी बहुत नाम सुना है, लोगों के थ्रू सुना था, मनदीप से भी सुना है मैंने, चिराग जो जीरो है उससे भी सुना है मैंने,
मुझे जानना है बेसिकली है क्या हसल पर। हसल पर वाज द क्रू, वो एक क्रू था जिसमें लाइक 7-8 आर्टिस्ट थे हम, प्रोड्यूसर था फायर बॉय, प्रोड्यूसर है वो था, फिर रात मैं अंश का था, अंश ने एक्चुअली वो लेबल बनाया था, क्रू बनाया था, तो उसके थ्रू हम लोग काम करते थे, हमने एक चैनल बना लिया और हम लोग उसमें अपने अपने गाने डालते थे, साथ में ग्रो करते थे, साथ में गाने बनाते थे, सब कुछ मतलब साथ साथ किया, और हम रहते भी साथ, मतलब एक ही शहर में नहीं थे वो, हम लोग रहते दूर दूर, अभी भी जैसे अंश फरीदाबाद का, अंश फरीदाबाद, मैं नोएडा, वेदा लखनऊ, अरे बाप रे, लखनऊ गोरखपुर ऐसे उसका जाता रहता है, रात रहता राजस्थान, और फिर अर्जुन आया था नवी मुंबई, ऐसे हम लोग भाई रोज डिस्कॉर्ड पे बैठ के बीटे बना रहे हैं, गाने बना रहे हैं, तो ये सीन है। बेलीगोस तो यहीं दिल्ली में रहता है, उसके बाद मतलब हसलपुर, फिर वो आ गया मोहित द एब्सोल्यूट फ्रीक, वो रहता है गाजियाबाद में, तो लाइक हम सब ऐसे ही काम करते रहे, फायर भी यहीं रहता है अभी दिल्ली में, तो ने ऐसे शुरू किया काम हसलपुर क्रू था, उसमें हम लोग गाने बना के एक ही चैनल से डालते थे और साथ में ग्रो करते थे, प्रॉपर हिप हॉप चैनल था, प्रॉपर हिप हॉप भी नहीं, बस म्यूजिक का था हम लोग, फिर शुरू तो हिप हॉप से ही किया था, फिर बाद में सब लोगों ने अपनी अपनी साउंड ढूंढी कि साउंड में अच्छे हैं, ये करेंगे आगे, क्योंकि क्या है कि मैंने तेरे हिप हॉप ट्रैक्स भी सुने तो पहले के थे, बट अभी R&B में आ गए, अब R&B में, एंड बेलीगोस ने बहुत तारीफ करी आपकी कि भाई आपका बहुत हाथ रहा है, एंड आपने बहुत सपोर्ट करा उसको, क्योंकि जब उसके साथ कोई नहीं था बट यू वर स्टैंडिंग विद हिम एट दैट टाइम, जो कि उसका एकदम लोकी मूवमेंट था, एंड ये एक अच्छी चीज लगती है कम्युनिटी की हमारी, कि भाई एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलैब करते हैं, ट्रैक्स बनाते हैं, एंड भाई सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। तो हिप हॉप से R&B का जो सफर है वो तो हम बाद में बात करेंगे, अच्छा, क्योंकि अभी मुझे ना एक खुड़क चुल जाग रही है अंदर, बात बन रही है कि भाई तू भी 16 साल का है, 11वीं के पेपर दिए हैं, स्कूल में क्या चल रहा है? हाँ चलो ये बताता हूँ, स्कूल में जब शुरू किया था तब तो तब भी होता ऐसे थे, दोस्त सपोर्ट कर रहे थे कुछ नया कर रहा है, पहले मैं क्रिकेट बहुत खेलता था, बहुत ज्यादा मतलब प्रोफेशनल अकेडमी वगैरह जाता था, ऑफ स्पिनर था, फिर था भाई मेरा कुछ रीजन की वजह से मैं क्रिकेट नहीं खेल पा रहा था, थोड़ी हेल्थ की भी वो हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा है कुछ अलग करना है, मैं क्रिएटिव फील्ड में सबसे ज्यादा था, मैंने जो भी सोचा आज तक बनने का सिर्फ क्रिएटिव फील्ड में सोचा है, कभी सोचता हूँ एक्टर बन जाऊंगा, कभी सोचता हूँ ये क्रिकेटर बन जाऊंगा, कभी सोचता हूँ भाई, फिर अभी सोचा म्यूजिक का, म्यूजिक करता गया, स्कूल में मेरा ऐसा था कि ज्यादा लोग गाने सुनते नहीं थे, फिर जो लोग सुनते थे उनका ऐसे ही यार ठीक है अच्छा है सपोर्ट कर रहे हैं बट ऐसे ही, उसके बाद मैंने डाली अपनी पहली एल्बम, उसके बाद से थोड़ा सपोर्ट ज्यादा हुआ मेरे दो तीन दोस्तों की वजह से, फिर अब लाइक 2022 वो था मेरे लिए गेम चेंजर स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कोविड वगैरह था पहले, फिर जब मैं आया मैंने साउंड बदल ली R&B वाली, वो ज्यादा लोगों तक कनेक्ट करती है, जो मेन स्ट्रीम ऑडियंस है, जो लोग बॉलीवुड सुनते हैं कुछ सुनते हैं, उनके लिए R&B मेलोडिक ट्रैक्स ही ज्यादा कनेक्ट करते हैं, तो ऐसे ही स्कूल में भी मेरे दो तीन दोस्त हैं जिनका नाम लूंगा मैं अभी, श्रजल, आदित्य, ये दोनों ने तो बहुत हेल्प किया, श्रीकर, ईशान, ज्योतिर, ये सब ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी मेरी, एंड मतलब मेरे को स्कूल में लोगों ने प्रमोट करवाया, मैं बहुत ही ऐसा था यार, मैं खुद के म्यूजिक करना ज़्यादा बात नहीं करता था, पर ये लोगों ने मेरे को बहुत प्रमोट करवाया, मेरा स्कूल में भी लाइक एक फंक्शन हुआ था एंड वहाँ पे मैंने गाया था अपना गाना, तो वो भी बहुत क्रेजी था, टीचर से रिस्पेक्ट मिलने लग गई, कभी मिली नहीं थी, पढ़ाई में खराब था वही टीचर से रिस्पेक्ट मिलने लग गई कि भाई ये अपने अपने गाने बना रहा है, वो काफ़ी सही था, क्योंकि बाकी लोग जो गाते थे वो दूसरों गाते थे, मैं अपना गाना परफॉर्म करके आया उधर, मैंने बताया, मैंने लिखा है, प्रोड्यूस किया, भाई काफी क्रेजी, तो उधर से कभी ऐसे रिएक्शन नहीं आगे, मतलब नेगेटिव रिएक्शन की भाई ये क्यों कर रहे हो, इसे छोड़ दो, इसमें करियर नहीं है, पहले था एक टीचर थी, मतलब थोड़ा वो रहता है, तब मैं ना गाने भी मतलब ऐसे थे मेरे, रैप थे ना, तो अग्रेसिव वाला जोन रहता है, तो इस वजह से वो लोग कहते थे पहले, बट अब तो काफी सही सीन है, अब टीचर भी सपोर्ट कर रही है, भाई मैं अभी जैसे अभी हमारे स्कूल के टॉप फ्लोर पे है मेरा, मेरी क्लास, नीचे जाता हूँ, जूनियर्स ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काम सुना है मेरा, और तो भी 16 साल का, हाँ मेरे मेरे बहुत क्रेजी सीन है, और अभी भी मतलब पीछे भागने लग जाते हैं कि भाई बात कर लो, ये कुछ बहुत बढ़िया हो गया स्कूल में, तो सब कुछ स्कूल में जो जूनियर होते हैं बोलते हैं भैया मार्शल कोलैब कर दो, अभी भी करना, हमें सिखा दो, ये कर दो, वो कर दो, सिखा दो के लिए तो बहुत आए हैं, कोलैब वगैरह के लिए ऐसे नहीं आए, बस वही ऑटोग्राफ मांगते रहते हैं, मतलब जब रहती है छोटी सी उम्र में तो अपने स्कूल के जूनियर्स का आइडल बन गया है, हाँ तो लाइक वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे होंगे तेरे से, तू भी नहीं चाहता भाई वो किसी गलत रास्ते पे चढ़े, तो लाइक तूने अभी तक कुछ सोचा जूनियर्स को कुछ सिखाने का या कोई प्रॉपर कोर्स डिजाइन करा ऐसा? हम लोग को एक्चुअली में यही चीज देख के ना हमारी प्रिंसिपल जो थी उन्होंने ऐसे बोला था कि जूनियर्स को जाके थोड़ा अल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस ये सब बताओ, क्योंकि सब लोग एजुकेशनल उसमें जा रहे हैं, तो हमने वो किया था उधर, मैंने और मेरे दोस्त सृजल ने, कि भाई कुछ अलग भी कर सकते हो, क्रिएटिव फील्ड में भी है स्पेस, बहुत है भाई स्कोप, और तुम कर सकते हो,
हमने एग्जांपल दिए कि भाई मैं पहले कैसे गाने बनाता था, आप कैसे गाने बनाता हूँ। तो ये सजेशन जो है ये एक तरीके से होस्ट करने का जूनियर्स को प्रिंसिपल का आइडिया था ये। हाँ, हम लोगों ने तो ऐसे ही मजे मजे सर्वे ले लिया भाई, क्या कूल प्रिंसिपल है तुम्हारी यार। हमारे में तो ऐसा था कि भाई तुम 12वीं में आ गए हो, कोई मैं भी क्रिकेट खेल रहा था प्रोफेशनली, तुम अब 12वीं में आ गए हो, 11वीं में आ गए हो, छोड़ो अगले साल 12वीं है, बोर्ड्स है, 12वीं में तो पूरा खत्म ही करा दिया। घर फोन चले जाता था कि भाई आपका लड़का क्रिकेट खेलने में टाइम वेस्ट कर रहा, पढ़ने नहीं आ रहा है। क्रिकेट के लिए मेरे को बोलते थे भाई, बहुत से आपका भाई उनको चाहिए बस अकेडमिक्स भी बच्चा अच्छा रहे, बस उसी पर अच्छा रहे। बट अभी क्या रिसेंटली मैंने देखा दिल्ली गवर्नमेंट ने और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोर्सेज निकाल दिए, DU में साउंड डिजाइनिंग के कोर्सेज हो रहे हैं। इनफैक्ट FL स्टूडियो या अगर मैं हो सकता डॉ का नाम गलत ले रहा हूँ, बट स्कूल के बेसिस पे भी अब म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्सेज आ गए हैं कि स्कूल में भी आप ऑप्ट कर सकते हो थर्ड सब्जेक्ट या कोई सेकेंडरी सब्जेक्ट के उस पर ले सकते हो। एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई आज की जो नई अपकमिंग जनरेशन है उनको पता चले कि भाई डॉक्टर इंजीनियर के अलावा भी फील्ड है। आप म्यूजिक प्रोड्यूसर बन सकते हो, एक 3D आर्टिस्ट बन सकते हो, एक विजुलाइजर मेकर बन सकते हो, बहुत सी फील्ड्स है, ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो, अब तो बहुत कुछ है। क्योंकि आज के डेट में मैंने देखा कि MNCs जो है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मुझे जोमेटो का लगता है। जोमेटो का मेन बिजनेस क्या है? फूड डिलीवरी करने का। बट उनके सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग क्या लगते हैं? और वो तुम जैसे ही बंदे होते हैं भाई, अपकमर जो है क्या 16 साल 20 साल 21 साल 22 साल के बंदे होते हैं, क्योंकि जो 30 मतलब ऐसा मैं टॉन्ट नहीं मार रहा, 30+ वाले कुछ नहीं कर रहे, बट एक थोड़ा सा जनरेशन गैप हो जाता है। तो जोमेटो की थोड़ी सी अच्छी स्ट्रेटेजी है। एंड इन बड़ी बड़ी एमएनसी को हम जैसे बंदे चाहिए, उनके जिंगल्स बनाने होते हैं, उन्हें क्रिएटिव जिंगल्स चाहिए ताकि वो आज की डेट में यूथ को कनेक्ट कर सके। और ये एंड स्कूल में ये पहल आपके प्रिंसिपल के द्वारा भाई, हैट्स ऑफ है मैम है या सर? भाई मैम अगर आप ये देख रहे हो मतलब कि बहुत अच्छी चीज है कि मतलब अपने स्कूल के जूनियर्स या बच्चों को आप गाइडेंस दे रहे हो कि अलग अलग फील्ड है। True. और इनके पेरेंट्स से भी अगर आप लोग थोड़ी बात कर सको उनकी फील्ड में पढ़ने में तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि स्कूल तक तो ठीक है, बट स्कूल से भी थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है पेरेंट्स को मनाना। तो पेरेंट्स का क्या व्यू, मतलब पेरेंट्स को पता है कि तू ऐसा था ये सब कर रहा है अभी? एंड जब स्टार्ट करा था 11 साल में 13 साल की उम्र में, तब क्या वो था उनका रिएक्शन? तब मैंने ना बताया नहीं था। उनको पता चला था थ्रू मेरे एक मेरा स्कूल का दोस्त है ज्योतिर, उसके पेरेंट्स की वजह से पता चला था कुछ। तो उसकी उसके पेरेंट ने कुछ तो बोल दिया था कि गाने अच्छे बना रहा है, मेरी मम्मी को बोल दिया था, उनको वहां से पता चला, मैंने बता नहीं रखा। उन्होंने देखे गया तो उन्होंने बोला ठीक है अच्छा है, वो सपोर्टिव थे शुरू से। उन्होंने अगर माइक वगैरह भी उन्होंने ही लाके दिया था, तो काम वाम करने में भी उन्होंने काफी हेल्प किया भाई। बहुत प्रमोट वगैरह भी बहुत करते हैं, मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ बीच में कि भाई देख ले, बट बस वही ना पढ़ाई के लिए थोड़ा सा वो रहता ही है सबका। बट मेरे को उन्होंने फिर आर्ट फील्ड भी चूज करने दी कि भाई कोई बात नहीं, इसका म्यूजिक अच्छा चल रहा है, कर लेगा कुछ, तो बस थोड़ा सा पढ़ाई भी ध्यान दे, ऐसा ही बैलेंस रखने को बोलते थे वहाँ। मैंने पहले भी अपनी पहले की पॉडकास्ट में इस चीज़ का मैंने जिक्र करा कि भाई आज की डेट में बच्चे, मतलब तेरे जैसे बच्चे स्पेशली जो स्कूल में होते हैं म्यूजिक फील्ड चूज करते हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई 12वीं के बाद मैं सिर्फ 24 घंटे म्यूजिक को प्रोवाइड करूंगा। एंड हो सकता है तेरी फिलोसफी भी यही हो, ठीक है, बट मेरा थोड़ा सा ना ओल्ड बैग वाली माइंड सेट है कि भाई मैं कॉलेज के साथ साथ करूंगा ताकि म्यूजिक में अगर आगे कुछ ना हो पाए तो मैं प्लान बी लेके चलूँ। MC अमृत और शायको इन लोगों के साथ मैंने बात करी थी, इन्होंने एकदम एग्री करा था इस चीज को लेकर। यू नॉट बिलीव, शायको अभी MA कर रहा संस्कृत में, जो अपने में अलग है। MC अमृत भी आई गेस कॉलेज पास आउट है। एंड हमारे पास ये है कि अगर कल को खुदा ना खास्ता कुछ हो, टच वुड ऐसा ना हो, बट अगर कुछ होता है तो हमारे पास एक प्लान भी होना चाहिए कि भाई हम जॉब कर सके। तब तक घर वालों के ऊपर पड़े रहेंगे, उनसे खर्चा मांगते रहेंगे। अभी तो क्या स्कूल में मांग लेते हैं कि दे दो भैया 50 रुपए 10 रुपए दे दो, कैंटीन से कुछ खा लेंगे। बट जब आप 20-22 साल के हो जाओगे, कॉलेज पास कर लोगे, तब नहीं कर सकते ये। तब तो आपके पास वही है कि भाई आप ही ने चूज करा था म्यूजिक 24/7, अब आपको म्यूजिक से कमाना है। एंड जरूरी नहीं भाई 100 में से 100 बंदे ऊपर चढ़ते हैं, 100 में से 1 ही बंदा चढ़ता है। तो भाई एंड भाई अच्छी चीज है कि स्कूल के साथ पेरेंट्स भी सपोर्टिव मिल गए। भाई क्या किस्मत लेके पैदा हुआ भाई। नहीं ऐसा प्रोड्यूसर भाई मेरे लिए बहुत टफ था। मेरी अपनी पर्सनल लाइफ बताऊं, स्कूल में भाई स्कूल में तो टीचर सारे जो क्या ही कर रहा छोड़ दे, जूनियर्स पूरे मजे ले रहे, क्लास के बच्चे मजे लेते थे। मेरे एडिटर अच्छे से जानता है, एक दो बार तो इसने बचाया मेरे को लेजिट भाई। देन उसके बाद क्या कहते हैं, कॉलेज में फ्रेंड्स सपोर्टिव थे, टीचर्स भी सब, कॉलेज में तो अच्छा माहौल मिला मेरे को।
बट जो मेरे को बैकलैश मिला वो मेरे खुद के रिलेटिव से मिला था. हमारे यूपी में एक टर्म होती है बजनिया. अच्छा. क्योंकि मैं डीजे भी था अभी भी हूँ बट उस टाइम में शोज करता था बट अभी थोड़ा होल्ड कर रखा है. तो मेरे को मेरा मामा आ गया सर कहे भाई क्या बजनिया बन रखा है तू ये सब कर वो सब कर. वो पूरा साइंस पीसीबीएम वाला बैकग्राउंड है. मैं पहला बंदा हूँ जो कॉमर्स विदाउट मैथ लेके गया होगा चौड़े में. ठीक है. एंड मेरी बहन ने भी कॉमर्स विदाउट मैथ लिया है मेरे को देखते हुए कि चलो हम तो कुछ अलग करेंगे. एंड भैया नहीं हूँ भाई मैं पढ़ाई में अच्छा भाई. साफ सीधी बात है. तू पढ़ाई में कैसा है? मैं यार एवरेज ही हूँ यार. बहुत अच्छा भी नहीं बहुत बुरा भी. भाई यार तेरे को टीचर लोग बोलते तेरे पेरेंट्स को अबव एवरेज और अच्छा कर सकता है. हाँ बस पेपर भगवान आपकी झोली में बहुत कुछ दे रहा है हमें नहीं दिया भाई. हमारे पास एक ही चीज है हम वही कर रहे हैं. तो अभी पेरेंट्स ने भी सपोर्ट कर दिया बट बीच में कभी कभी ड्रॉबैक्स आया कि भाई अब थोड़ा पढ़ाई में हाथ ढीला हो रहा है. मैं अभी यार पता नहीं मेरे को लगता है अभी मेरी 12th शुरू होने वाली है. पता नहीं नेक्स्ट वीक हो जाए पता नहीं. जब से भी 12th जी मेरी जैसी जाएगी ना उस हिसाब से मैं प्लान करूंगा. क्या पता म्यूजिक में बहुत कुछ अच्छा हो जाए. क्या पता वैसे ही रहे. अगर वैसे ही रहा तो देख लेंगे. अभी मतलब ऐसे कुछ ज्यादा प्लान नहीं किया बट अभी वही है. नहीं क्योंकि यार जिस हिसाब से ग्रोथ चल रही है म्यूजिक रोकना नहीं है बस. ये म्यूजिक तो साथ साथ चलता रहेगा क्योंकि भाई सिकलॉट का ऑलरेडी नाम हो चुका है. रास्ता में मैंने देख लिया. वैभव रचे से भी मैंने पूछा है तेरे बारे में. ठीक है. जिस शो की हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे. हाँ. बैलिको से ने पूरे मुझे बहुत अच्छे से बताया उस शो के बारे में. अच्छा. कि क्या क्या हुआ बट सिकलॉट को लोग जानते हैं. जानते हैं. ठीक है. अंशोर शोर YBM वाले गिग में जब मैं मिला था ठीक मतलब मिला नहीं था बट मैंने देखा था कि अंशोर शोर ने एक नए बंदे को एक नए टैलेंट को सपोर्ट करा है. स्टेज पे बुलाया है. एक दो गाने परफॉर्म करे थे तूने. ठीक है. आई गेस तेरा सिंगल था कोलैब था अंश के साथ. ठीक. तूने परफॉर्म करा था वहाँ पे एक लार्ज ऑडियंस. मार्क मंदीप के लिए यूर ओपन भाई मतलब. हाँ. और क्या ही चाहिए. एंड इसके बाद अगर सुनने में आया कि सिकलॉट ने म्यूजिक छोड़ दिया है फिर तो मतलब तेरे को जितनी ठेस पहुंचना पहुंचे हमें एज लिसनर्स या ऑडियंस को ठेस पहुंचेगी कि भाई इसके हम फैन कह लो या हम इसके गाने सुनते हैं. ठीक है. इतनी सूदिंग वाइब प्रोवाइड कर रहे हैं ये. एंड ये बंदा एकदम से गायब हो गया. तो ये एक अच्छी चीज है कि भाई म्यूजिक नहीं छोड़ना. बट समहाउ कभी कभी रहता है जैसे कॉलेज मैं खुद गया था. फर्स्ट ईयर कॉलेज में मेरा म्यूजिक पूरा छूट गया था क्योंकि स्कूल से कॉलेज थोड़ा सा रहता है ना एकदम वाफ चेंजेस आ जाते हैं लाइफ में. स्कूल में तो भाई डंडा दे रहे हैं सब कुछ क्या कहते हैं टीचर्स करवा रहे हैं पेरेंट्स की होमवर्क करवा रहे हैं सब कुछ हो रहा है बताने वाले. कॉलेज में तो कोई बताने वाला नहीं है. खुद करना सब कुछ. तो उस चीज़ के लिए मतलब उस चीज़ को टैकल करने के लिए कुछ अभी से प्लान कर रखा है. मैं बस वही देख रहा हूँ. अभी जैसे मेरे को एक्सपीरियंसेस काफी मिल चुके हैं क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ बैठ रहा हूँ वो लोग भी कॉलेज वो भी बताते रहते हैं अपने कॉलेज के बारे में. थोड़े बहुत डूज एंड डोंट्स उन्होंने बता रखे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है. तो मैंने यही सोच रखा है कि म्यूजिक तो मैं नहीं छोड़ने वाला. मतलब ऐसा हो सकता है कि थोड़ा टाइम वही है ना अभी कॉलेज की शुरुआत में ऐसा हो जाता है कॉलेज की इधर थोड़ा ध्यान दे देते हैं उसके बाद ऐसे ही है. थोड़ा बैलेंस रखना है मेरे को. लाइक जो साथ के बंदे होते हैं अब हमने तो सोच लिया जैसे तूने सोच लिया म्यूजिक नहीं छोड़ना बट जो साथ के क्रू के बंदे हैं किसी का एंट्रेंस का एग्जाम है. हाँ. वो वहाँ बिजी हो गया. किसी का कॉलेज चेन्नई लग गया वो वहाँ चला गया. हाँ. फिर दिक्कतें आ जाती हैं. फिर आ जाती है. बट ये अच्छी चीज है जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला भाई ये ऑल इन वन बंदा भाई ये सारी चीजें खुद करता है. तो भाई बहुत अच्छी चीज है. बट आप सारी चीजें खुद तो कर रहे हो. आपको कभी खुद अपने आप में लगता है मतलब डिफिकल्टीज नहीं होती कि भाई मैं गाना भी लिख रहा हूँ मैं गाना प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ एंड ये गाना बनने वाले सारा मुझे मिक्स भी करना है. मेरे को ऐसा वाला बर्डन सा नहीं लगता. और साथ में मुझे 5 बजे ट्यूशन भी जाना पड़ने के लिए. मैं ना आज तक ट्यूशन नहीं गया कभी. आज तक नहीं. मैथ के लिए भी नहीं ली. नॉलेज असली में साइंस के लिए भी नहीं ली. नहीं खुद ही पढ़ लेता था या कभी मतलब ऐसे ही रहता था. मैं कभी आज तक ट्यूशन नहीं गया बट मेरे को ऐसा कभी बर्डन नहीं लगता क्योंकि मेरे को मजा आता है उस चीज को करने में. और मिक्सिंग तो मेरे लिए मतलब मेरी फेवरेट चीज है मिक्सिंग करना क्योंकि मैं देखता हूँ ना जब वोकल ऐसा था और अब ऐसा हो गया है वो बहुत अच्छा है. और मैं ना वन गो में करता हूँ मोस्टली सब चीजें. जैसे प्रोड्यूस किया तो उसी टाइम पे लिरिक्स लूंगा उसी टाइम पे रिकॉर्ड करूंगा उसी टाइम पे ही मिक्स करूंगा. मतलब एक टेक रिकॉर्ड किया उसके लिए मिक्सर को बना दिया उसमें डालते रहूंगा. मतलब मेरे लिए ऐसा कुछ रहता ही है कि बर्डन टाइप. मेरे को मजा आता है इस चीज को करने में तभी कर रहा हूँ. तो ऐसे सीन में पढ़ाई बर्डन लगती होगी फिर. पढ़ाई लगती होगी तो मेरा वो था कि भाई
हाँ कर लूंगा याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती, याद तो ऐसा है कि भाई अगर याद ही करना है तो एग्जाम से 2 रात पहले भी याद कर लोगे ना, 1 रात पहले याद तो याद रहेगा कुछ, वो उतना सीन नहीं है। मेरे को फिजिक्स मैथ्स इन सब में होती थी दिक्कत। मैथ्स तो भाई मैं मैथ्स सबसे बुरा गया था भाई 10th के बोर्ड में। मैंने बताया ना मेरे 11 के नंबर मिला दो तो 30 भी नहीं बनेंगे भाई। मेरा मैथ इतना बेकार था, मुझे भगवान की दया थी कि ऑप्शन दी मेरे को, फिजिकल ले ली मैंने, वरना अगर मैथ होती ना मैं 12वीं में अभी भी बैठा होता। मेरे से नहीं होती मैथ भाई, पता नहीं अल्फा बीटा गामा क्या रहते तुम्हारे ग्रेटर नोएडा में तो सेक्टर है अल्फा बीटा गामा मुझे बताओ तो चाहिए भाई ये सब। क्योंकि रियल इस्टेट में मैंने जॉब करी थी भाई, ग्रेटर नोएडा भाई अलग जगह है भाई, अलग ही है भाई। अल्फा बीटा गामा अलग ही है, नोएडा से तो पूरा अलग ही है। हाँ। बट बहुत शांत इलाका है, अपने आप में। एंड R&B से हमारा अभी आखिरी पॉडकास्ट पहले उसके साथ हुआ था, उसने बहुत अच्छे से हमें बताया आपके बारे में एंड एक मुहिम उनके बारे में बताया था, हार्डवर्क जिससे बनाया था। हिप हॉप से R&B की क्या जर्नी थी? हिप हॉप से R&B की जर्नी काफ़ी बढ़िया रही, क्योंकि मैंने हिप हॉप एक्चुअली इसलिए करना थोड़ा सा कम किया क्योंकि मैंने देखा मैं हिप हॉप ऐसा होता ना कि बनाने में वो उतना मज़ा नहीं आ रहा, ऐसा लगता था मेरे को मैं हर गाना बना रहा हूँ मेरा सेम बन रहा है। और वो चीज़ मेरे को बहुत लगी कि यार अब अगर सेम गाने बनाते रहूंगा तो लोग कितना ही सुनेंगे। मैं उसमें भी थोड़ा सा मेलोडीज डालता था, मैंने ट्रैप करना शुरू किया। ट्रैप से फिर मैं आया R&B में, मैंने एक EP निकाली थी अप्रैल में 2022 में, अलाई टू माई सेल्फ नाम उसका। उस EP में सारे गाने अलग वाइब के, एक गाना था पॉप, वो बिल्कुल वीकेंड वाला वो जॉनर होता है ना, वो भी सिंथ बेस नहीं, मतलब वो उसका जो पॉप वो रहता है वो मैंने किया। फिर मैंने एक उसमें डाल दिया डांस हॉल, उसके बाद मैंने एक उसमें रखा था हल्का सा हिप हॉप वाला पार्ट, वो मैंने शतम के साथ किया था, शतम भी बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है, उसका काम किया था। और एक रखा था मैंने ट्रैप, R&B ट्रैप वैसा ही, उसका नाम 22 था। मैंने वो बनाया, मेरे को बनाने में बहुत मजा आया वो कि भाई कुछ अलग कर रहा हूँ बढ़िया लग रहा है, तो मैंने वो किया। और मेरे साथ ऐसा होता था जब मैं हिप हॉप बनाता हूँ, मेरी एज कम है अभी, हिप हॉप में जैसी बातें होती है अग्रेशन वाली वो मेरे को लगता है मेरे पे उतना सूट नहीं करती, और कोई मेरी वीडियो देख के बोलेगा ये ऐसा क्यों बोल रहा है, मतलब ये तो कितनी हिट होगी इसकी, कितना क्या होगा। ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि मैंने पहले भी बात ये डिस्कस करी है लोगों से कि नहीं भाई आज के डेट में हिप हॉप में वैसा हो चुका है कि कुछ लोग हैं, सारे लोग नहीं बट कुछ लोग हैं भाई जो 11-11, 12-12 साल के, 14-14 साल के बंदे जो है वो आ रहे हैं, वो ऐसे ऐसी लाइनें स्पिट कर रहे हैं वायलेंस वाली वो चीज थोड़ी क्या है। हाँ। तुम्हारी अभी एज क्या भाई है, मतलब तो अभी तो 18 की भी नहीं हुई और तुम बातें कर रहे हो बंदूकों वाली और एक लड़कीबाजी हो रही है, मैं तुम्हारी ये कर दूं तुम्हारा वो कर दूंगा। भाई अगले दिन तुम्हारा पेपर है भाई UT टेस्ट के लिए पढ़ो पहले जाके, ठीक है किसी का बाद में करना। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि लाइक, और ऊपर से जॉनर डिस्कवर कर ही रहा है तू। तो मैं उस समय सेल्फ अवेयर हो गया कि भाई मेरे को ये नहीं बनाना। फिर मैंने एल्बम करी अपनी लास्ट, जो मेरी अब तक का सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सुकून, वो मैंने एल्बम बनाई, उसमें 9 गाने थे। एंड वो एल्बम मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ करने की कोशिश करी थी उसमें। हाँ। मैंने एक R&B ड्रिल गाना बनाया 2 Face ब्रीड के साथ, फिर मैंने उसमें अपना इंडी जॉनर पहली बार ट्राई किया जो होता है जिसमें एक्चुअली गिटार वगैरह चल रहा है, ड्रम्स हो रहे हैं बट रॉ ड्रम्स है, ज़्यादा मिक्सिंग नहीं होती उसकी बीट्स में, लाइक वो रॉ फील देने के लिए होता है गाना, लो-फाई टाइप की वाइब होती है। वो मैंने किया, उसमें मेरे को बहुत मजा आया, वो तो गाना इतना चला, तू है गाना नाम है गाने का, बहुत चला वो गाना। फिर मैंने R&B भी उसमें बहुत किया, MT नाम था गाने का। उसके बाद आई वाज लाइक कि R&B कर रहे हैं, मेलोडिक जोन में अच्छे हो गए हैं, गा पा रहे हैं अच्छे से, अब नोट्स भी अच्छे फिट हो रहे हैं। फिर मैंने सोचा अब तो बहुत चीजें खुल गई हैं मेरे लिए कि मैं कुछ भी ट्राई कर सकता हूँ। तो मेरा जो लास्ट रिलीज था अजनबी, वो था एक रॉक गाना और मैंने पहली बार रॉक ट्राई किया, उसमें पीछे मैंने स्क्रीनोज डाल रखे हैं अपने, वो करने में मेरे को इतना मजा आया। तो ऐसे ही था, मेरे को जो चीज कर रहा है मजा आ रहा है, मेलोडिक उसमें जोन में खेलने में बहुत मजा आ रहा था, तो मैंने इसलिए हिप हॉप से मेलोडिक में शिफ्ट किया। तो बहुत बढ़िया रहा, अब तक लोग भी काफी सपोर्टिव रहे हैं, इनफैक्ट मेरे तो लिसनर अभी एकदम से बढ़ गए थे आफ्टर आई शिफ्टेड टू R&B, क्योंकि मेरा वो स्ट्रॉन्ग सूट भी था, लोगों को पसंद आ रहा है, थोड़ा रहता है ना कि अटायर के साथ सूट भी कर रहा है। अगर मैं अगर तेरे को देखो लाइक, तू अगर ऐसे अटायर में जा रहा है परफॉर्म करने के लिए, चश्मा पहन के तेरे हाथ में माइक दे दो R&B परफॉर्म कर रहा है, तो भाई बंदा मतलब मैं खुद खड़े होकर सुनूंगा भाई पहले जिस तो ये। एंड भाई अगर मैं थोड़ा सा हिप हॉप में देखूँ ना, मैं थोड़ा सा चलो ठीक है कर रहा है इट्स ओके, बट R&B अगर, और मैंने तेरे गाने भी सुने तो भाई मैं तो भाई यही चाहता हूँ R&B का। बट इंडिया में अभी R&B का इतना कुछ सीन लग रहा है तेरे को, मार्केट कैसी R&B का? अभी मेरे को लग रहा है जैसे हिप हॉप एकदम से ग्रो हुआ। हिप हॉप तब ग्रो हुआ जब रफ्तार एमवे की बीफ हुई, तो एकदम जो अंडरग्राउंड थे ना वो ऊपर आ गए, और अभी भी मतलब लोग उन्हें सुन रहे हैं और हसल का भी अभाव रहा है काफी।
मेरे को लगता है आरएनबी के लिए अभी बहुत बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि अभी इंडी आर्टिस्ट इतने ज्यादा चल रहे हैं अभी. कुछ गाने ऐसे वायरल हुए हैं जो लाइक मूवी के नहीं है, जो लोगों ने अपने घर पे बैठ के बनाए हैं, वो गाने वायरल हो रहे हैं. और मतलब उससे काफी ऐसे पता चलता है कि आरएनबी बहुत ग्रोइंग स्पेस है और भाई काफी फट सकता है आगे. तो आरएनबी में ऐसा कुछ, मैं आरएनबी इतना फॉलो नहीं करता, ठीक है, लाइक मुझे सुनना अच्छा लगता है बट कोई स्पेसिफिक आर्टिस्ट नहीं है. इंडिया में कोई दो आर्टिस्ट जो आरएनबी में बहुत बूम कर रहे हैं, जिन्होंने इंस्पायर करा हो तुझे कुछ ऐसा? अभी एक्चुअली बहुत अभी तो बूम कर रहा है अभिजय म्यूजिक नाम है, वो गली गैंग से साइंड है, वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, आरएनबी कर रहा है, वो खुद प्रोड्यूस भी करता है, क्रेजी. एंड मेरे को लगता है एक जो भी आर्टिस्ट सबसे ज्यादा फटने वाला है, मेरे को लगता है टू फेस ब्लीड, जो बहुत बहुत आगे जाएगा. मतलब इतना क्रेजी म्यूजिक है वो. टू फेस ब्लीड का उन्होंने गाना कर रखा है एंड वो गाना वन ऑफ माई सबसे सक्सेसफुल सॉन्ग में से एक है, तो वो भी काफी जिसकी वजह से शो थोड़ा डिले हुआ था, फ्लोर चेंज कराया था, ठीक है. मार्क मंदीप तक तो अच्छा चल रहा था, उसके बाद जब टू फेस ब्लीड और इन सब का आया था, आगे से मुस्तफा भी था, इमोशंस कैसे थे अंदर को, भाई पता बाद में मार्क मंदीप परफॉर्म करने वाले हैं उन लोगों के साथ, भाई वो भी अंडरग्राउंड में बहुत ऊपर है भाई, वो मतलब अव्वल दर्जे के आर्टिस्ट है, एंड तुम सारे एक साथ एक स्टेज शेयर कर रहे हो एंड सामने पूरा क्राउड खड़ा हुआ है, कैसी फीलिंग थी अंदर से? भाई बहुत डिफरेंट थी मेरे लिए. और मेरे लिए ऐसा था कि मतलब मेरा पहली टाइम मैं स्टेज पे चढ़ा था उस दिन गाना गाने के लिए, अपना गाना, तो वो मेरे लिए बहुत ही अलग था और मेरे को बहुत ज्यादा मजा आया था. उसमें तीन गाने करे थे मैंने, बट एक एक्सपीरियंस होता है ना कि सामने क्राउड चिल्ला रहा है, वो वाला पता चला मेरे को. और मार्क मंदीप, इनको तो मैं बहुत आइडियलाइज करता हूँ. मार्क भाई तो लाइक मेरे ऐसा था कि उनके आर्ट की वजह से मैंने उनको फॉलो किया था और भाई इतना पसंद आया था ना उनके साथ, मैं मिला था एंड अब मैं प्राउडली कह सकता हूँ मार्क पार्टी के साथ मेरा एक गाना है, मतलब तो वो चीज है काफी क्रेजी. तो अभी जैसे तू नोएडा से आ रहा है, नोएडा में हिप हॉप चल रहा है इतना? नोएडा में हाँ चल रहा है. आरएनबी आर्टिस्ट में तो मुझे उतने दिखे नहीं है, बट ऐसे नोएडा में भी काफी आर्टिस्ट है, ग्रेटर नोएडा में काफी आर्टिस्ट है, बट जो लिसनर है ना अभी वो हिप हॉप की तरफ हो रहे हैं थोड़े बहुत, हिप हॉप आरएनबी की तरफ ज्यादा, क्योंकि आरएनबी वो है ना अब रील्स की वजह से ना एक अलग ही डायमेंशन खुल चुका है आरएनबी आर्टिस्ट का, क्योंकि रील के पीछे एक म्यूजिक लगा देंगे ना तो वो वीडियो अच्छी हो जाएगी और ऑडियो वायरल हो जाएगी. हाँ ऑडियो वायरल हो जाएगी, तो वो चीज है. तो मेरे को लगता है आरएनबी आर्टिस्ट अभी एनसीआर में काफी चलेंगे कुछ टाइम में, तो अभी काफी आर्टिस्ट है मुंबई वाले जो इधर चल रहे हैं, काफी पुणे वाले जो इधर चल रहे हैं, तो अभी और भी काफी ज्यादा आने वाले, दिल्ली वाले भी फटेंगे भाई. हाँ आरएनबी वाले तो अभी बहुत फटेंगे, हिप हॉप वाले तो काफी अच्छा कर रहे हैं पहले से, दिल्ली हिप हॉप मतलब जानते हैं लोग कि भाई यहाँ सीन है हिप हॉप का. एंड अभी जैसे तूने बताया था लाइक ऑफ कैमरा ही टोल्ड मी कि तुम लोगों ने अपना खुद का शो करवाया था, तो वो प्रॉपर हिप हॉप शो था या आरएनबी टच था उसमें, कैसा था? हमें बस एनएक्सटी शो था, एनएक्सटी स्टेशन जो हमारा क्रू है उसमें हम लोगों ने हमें बस अपना शोकेस करना था कि हमारे पास क्या क्या है, हम वो दिखा रहे हैं और हमारे आर्टिस्ट हैं. अभी हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं हम लोगों ने किसी भी एक आर्टिस्ट को ऐसे नहीं बोल रखा कि तू ये मत कर, जो बना है बना, अच्छा लगेगा अपलोड होगा, अच्छा नहीं लगेगा तो फिर ट्राई अगेन, बट वही चीज़ है. तो हम लोग को बस अपनी आर्ट प्रेजेंट करनी थी और उसी वजह से हम लोगों ने फिर वो एनएक्सटी शो करवाया, और उसमें कोई ऐसे बाउंडेशन नहीं थी कि तुम्हें ये जॉनर करना है ये करना है, बट ऐसा था कि कुछ ऐसे गाने होते हैं जैसे आरएनबी ड्रिल गाने, उसका जब ड्रॉप आएगा तो लोग तब भी वो कूदेंगे वैसा टाइप का, क्योंकि उसकी बीट वैसी है. तो मतलब हमने हर टाइप का कर लिया. अब जैसे मेरा कोई इंडी गाना चल रहा हो तो उसमें क्राउड साथ में फ्लैश लाइट लेने से करेगा क्योंकि वो अच्छा है, सूदिंग चल रहा है, और साथ में हिप हॉप आया तो फिर हिप हॉप में लोग हेडबैंग करेंगे, कूदने लग जाएंगे. तो वो चीज थी, वो पूरा हिप हॉप ऐसा नहीं था कि पूरा हिप हॉप आया पूरा आरएनबी, हमने सब मिक्स करके दिया था, मल्टी जॉनर इवेंट था. बट अगर आज की डेट में मैं बात करूँ कि भाई अगर हम लोग किसी वेन्यू को पिच करते हैं उनको प्रॉपर बताना पड़ता है कि भाई ये हिप हॉप इवेंट है या कुछ भी है, एंड आज की डेट में तो है कि हिप हॉप इवेंट है तो सामने जो क्लब्स है या लॉन्ज है वो इजीली एग्री हो जाते हैं कि हाँ ठीक है आप करा लो, आप आर्टिस्ट लाओगे आपका सब कुछ रहेगा. बट अगर भाई मैं बात करूँ कि नॉर्मल आरएनबी आर्टिस्ट है उसके साथ चार पाँच और आरएनबी आर्टिस्ट है तो क्लब और लॉन्ज इतना प्रेफर करते हैं आरएनबी शोकेस कराने में या शो ऑर्गेनाइज करवाने में,
अभी तो उतना सीन है नहीं इधर, मतलब R&B आर्टिस्ट के लिए, बट एज आई सेड अभी काफी ज्यादा फटेगा क्योंकि इसमें बहुत पोटेंशियल है। बट अभी तो क्लब्स उतने या जितने भी ये रेस्टोरेंट्स वगैरह है इन सब में अभी वो नहीं चलता। अगर इनको R&B बताया है, इनको बताया मेलोडिक गाने गाते हैं, तो इनको बस वही आएगा दिमाग में, अच्छा गाते हो तो आप बॉलीवुड गाने का कवर गा दो, इधर ऑडियंस मिल जाएगी आपको, वो भी चलो फिर अगर गाने में अच्छे तो उनकी ऑडियंस भी वही होती है ना, मतलब इस तरीके से जैसे इंडी इवेंट्स होते हैं तो वो ना आर्टिस्ट को देखने नहीं आते, वो बस वहाँ एक एंजॉय करने आते हैं, उनको पता नहीं आर्टिस्ट कौन है, वो बस गाना अगर पसंद का गा रहे हैं तो साथ में गाने, क्योंकि बॉलीवुड गाना है। और R&B का भी वही है ना, अभी लोगों को इतना पता नहीं है तो लोग जानते नहीं है गाने, लोगों को याद नहीं है गाने, जैसे ही ये फटेगा और गाने याद होंगे उसके बाद तो सीन पूरा खुल जाएगा। अब तो धीरे धीरे लोगों को याद हो रहा है भाई, सिर्फ लॉर्ड का नाम याद हो गया और क्या चाहिए भाई, ठीक है बेलिकोस का नाम याद हो गया, एंड R&B आई होप जैसे हिप हॉप फटा, R&B बहुत जल्दी फटने वाला है, जैसे मैंने कहा तू तो फट जाएगा 6 महीने 1 साल में, डिपेंड्स ऑन योर 12th कि पढ़ाई में हाथ ढीला ना हो, क्योंकि अगर पढ़ाई में हाथ ढीला हो गया तो भाई पढ़ाई भी करनी जरूरी है। बट यार एक मैंने बेलिकोस से, मतलब जब मैंने बेलिकोस का पॉडकास्ट लिया, जब उसके साथ इंटरव्यू करा मैंने, तो ना यार वो बड़ा शाय है, इंट्रोवर्ट है, एंड मेरे को देख के नहीं लग रहा कि तू इतना इंट्रोवर्ट है, ठीक तू थोड़ा है एक्सट्रोवर्ट होकर चल रहा है। बेलिकोस के साथ काम करके तेरे को कैसा लगा, जब तू पहली बार मिला था बेलिकोस से तो मतलब कैसी एक वो होता ना फर्स्ट इमेज इज द लास्ट इमेज, मतलब कुछ होता है ना वाली चीज, तो वो कैसा था भाई? जब मैं पहली बार बेलिकोस से मिला था, मैंने मिला था अंश के डिस्कॉर्ड सर्वर पे, हम दोनों बैठ के काम कर रहे थे, अंश शायद उसे जानता था तो वो आया था VC में, तब मैं पहली बार, मतलब तब वो वैसा नहीं था भाई, तब इंट्रोवर्ट वगैरह वो उसको कोविड के बाद हुआ है उसके बाद से उसका थोड़ा सा हो गया है कि वो शाय होने लग गया है, काफी चीजें उसने झेल रखी है अपनी लाइफ में तो उसकी वजह से। बट जब पहली बार मिला था मेरे को तो काफी वो, जब पहली बार मिलते हैं ना अगर तभी वाइब सेट हो जाए तो फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म तक वो रियली रहेगा बंदा हमारे साथ, तो मेरे साथ कभी ऐसा होता नहीं, इंट्रोवर्ट वगैरह काफी ओपन है, और वही है नए लोगों के साथ उसका थोड़ा सा वो रहता है और उसको बोलने में थोड़ा नहीं, मैं वही सोच रहा था क्योंकि मैं जब यहाँ पे क्या कहते हैं फ्रिक्स भाई की पार्टी थी रजौरी गार्डन में, ठीक है रजौरी में की मॉलिक्यूल में, अच्छा ग्रीन पार्क में, जब इन्होंने अपनी एल्बम लॉन्च पार्टी करी थी तो वहाँ मुझे बेलिकोस मिला था, मैं देख रहा था कि ये बंदा तो बढ़िया आराम से बात कर रहा है मेरे से, रक्षित ने मिलाया मेरे को पूरा, ठीक है। बट जब मैं इंटरव्यू लेने बैठा, ओ भाई कैमरा देख कैसे छूट गई बाजी की, कि भाई पहले पहले 2-3 मिनट तो हंसे जा रहे यार, मेरे को भी हंसी आ रही, रक्षित को भी हंसी आ रही, बट जैसे टाइम बीता 5-10 मिनट हुए सब कुछ हुआ सेटल हुआ मामला, फिर तो भाई जो इंटरव्यू गया पूरा अच्छे से भाई, ये था कि उसकी ऑडियंस को भी पता चला, जो तेरी ऑडियंस को तेरे बारे में पता चलना चाहिए पूरा का पूरा। तो अभी जैसे ऑडियंस को आजकल जैसे तेरी एज ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं जो म्यूजिक बनाना चाह रहे हैं बट वो अभी तक उस स्टेज पे पहुंच नहीं पाए हैं प्रोडक्शन के या कंपोजिशन के, जहाँ पे तुम ऑलरेडी पहुंच चुके हो, तो तुम थोड़ा सा अपकमिंग आर्टिस्ट को, तुम खुद एक अपकमिंग हो बट तुम्हारे भी नीचे है, तुम्हारे साथ के बंदे हैं जो थोड़ा डिस्टर्ब रहते हैं अपने आर्ट को लेके कि भाई हमसे लिखा नहीं जा रहा, हमसे बन नहीं रहा, उनको कोई स्पेशल एडवाइस काइंड ऑफ कुछ प्रोवाइड करना चाहोगे? लाइक मुझे खुद जानना है कि तुम्हारी एज ग्रुप में क्या, मेरी एज ग्रुप तो अलग ही है भाई, 16 साल में तो मैं अपना लैपटॉप लेके नहीं बन रहा तो डिलीट करा दोबारा रिक्रिएट करेंगे कुछ ना कुछ, नई चीजें बनाएंगे नया जॉनर बनाएंगे, तुम लोग क्या करते हो स्टेज में? अभी मेरे हिसाब से जो मेरे को सबसे ज्यादा हेल्प करी है चीज की, मैं परफेक्शन के पीछे सबसे पहले नहीं भागा, ऐसा सिर्फ मैंने बहुत गंदे गाने बनाए, गंदे गाने भी डाल दिए, मतलब 1000 गंदे गाने लगेंगे तुम्हें एक अच्छा गाना बनाने के लिए और उसके बाद तुम्हारे अच्छे ही बनेंगे। मेरे को सबसे ज्यादा बेस्ट चीज जो अपने उधर मिली है अपनी लाइक जर्नी में वो था लोगों का, बेसिकली अपना जो सर्कल है ना वो मेरा सर्कल था आर्टिस्ट वाला, तो उधर काम ऐसे इजीली हो जाता है, तो मैं अगर किसी को सुनना हो या अगर किसी को शुरू करना है अपना, तो मैं कहूंगा आर्टिस्ट का कॉन्टैक्ट बनाओ, अपना आर्टिस्ट को दोस्त बनाओ, और आर्टिस्ट से अगर तुम सीखोगे वो भी तुमसे कुछ सीखेगा, कुछ चीज तो होगी जो उसमें लैग कर रही होगी और तुम एज अ लिस्टनर से बता सकते हो कि ये चीज भाई थोड़ी सी ऑफ साउंड कर रही है, इसको तो ऐसे कर ले, तो वो चीज काफी हेल्प करी है। ऑनेस्ट रहना काफी जरूरी है अपनी आर्ट के साथ, तो ऑनेस्ट रहो कि मतलब ये अच्छा नहीं है तो मैं नहीं डालूंगा ये चीज, तो शुरू में तो, लेकिन आई थिंक परफेक्शन के पीछे नहीं भागना चाहिए, शुरू में तुम बना रहे हो बनाओ, बनाते रहो, चाहे अपलोड मत करो बनाते रहो, प्रैक्टिस से हो जाएगा कुछ तो। एंड अगर कभी बार होता ना कि मतलब एक कहानी नहीं, हिप हॉप में मैंने लोगों से ज्यादातर सुना है कि भाई हमसे लिखा नहीं जा रहा, एंड तू खुद लिखता है एंड तू खुद रिकॉर्ड करता है अपनी चीजों को, तो तेरे दिमाग में कभी नहीं होता कि लाइक भाई अब पेन चलना बंद हो गया, दिमाग एकदम एग्जॉस्ट हो चुका है तो चलो कुछ ब्रेक लेके आते हैं, तो उस ब्रेक पार्ट में क्या करता है? Sometimes, like, break,
के लिए ना मैं सोचता था अपने दोस्तों के साथ चिल करता हूँ, लाइक जो मेरे स्कूल के सर्कल के दोस्त हैं। क्या चिल करते हो तू, तो 16 साल का है यार, मतलब ऐसे हमारा चिल अलग होता है। हाँ, चलो भाई लेट्स टेक सम लाइक ब्रेक, ठीक है 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो अपना करा एंड देन उसका बैक टू द वर्क, ये वाला सीन रहता है। 16 साल के बच्चों का क्या रहता है, स्कूल चल रहा है ना मेरा। हाँ। तो मेरा स्कूल में रोज इंटरेक्शन हो रहा अपने दोस्तों से। हाँ। तो वहां हम लोग ऐसे ही थोड़ा मतलब बेसिकली जितना इंटरेक्शन उनसे होता है ना, काफी वो गुड वाइब्स भर देता है अंदर। हाँ। और भाई वो लोग काफी मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशन की जरूरत होती है सबसे ज्यादा। अगर एक राइटर्स ब्लॉक चल रहा है तुम्हें मोटिवेशन चाहिए कि तुम अच्छा लिख सको और तुम्हें अंदर से पुश मिले कि भाई मुझे लिखना है। Agree. उसके बाद हो ही जाता है। तो मेरे को अपने दोस्तों से सबसे ज्यादा मोटिवेशन मिली है और ब्रेक में मैं सिर्फ मतलब उनसे ही बातें करता रहता हूँ। कभी डिस्कॉर्ड पे अपने आर्टिस्ट वाले दोस्त भी हैं, कभी कभी उनको भी ब्रेक चाहिए होता है, साथ में बैठ के कुछ डिस्कॉर्ड पे देख लिया, साथ में गेम खेल रहे हैं, ये सब रहता है मेरा। तो बट मैंने एक चीज देख लिया यार, मतलब कोविड क्या हम सबके लिए बहुत बुरा साल गए, दो साल जो गए, कुछ लोगों ने अपने बहुत जानने वालों को खोया है, ठीक है, बट somehow एक पॉजिटिव फैक्टर ये है आर्टिस्टों के लिए थोड़ी अच्छी चीज बन के आई थी कि हम सारे घर में बैठे हुए हैं। एंड मैं तेरे जैसे आर्टिस्टों से मिलता हूँ ना जो 16-17 या 18 साल के हैं, वो ये कहते हैं कि भैया हमने ना कोविड में स्टार्ट करा है, कोई कोविड में कुछ था ही नहीं करने को, स्कूल कॉलेज सब ऑनलाइन हो गए एंड ये सारे भाई हमें एक्स्ट्रा कुछ चीज चाहिए, करिकुलर एक्टिविटीज होती है स्कूल में, तो भाई बंदों को चाहिए कुछ करने के लिए। लोगों ने अपने रैप लिखने चालू कर दिए, वैसे लिखने चालू कर दिए। क्या कहते हैं ड्यूरिंग कोविड तू हसलपुर से मिला था या हसलपुर को पहले से जानता था? कोविड के टाइम पे ही हसलपुर को, ऐसे बिल्कुल जब कोविड स्टार्ट हो रहा था उसी टाइम पे ऐसे हुआ था। तो मैं हसलपुर को तो नहीं, हसलपुर से थोड़ा सा बाद में मिला था, बट मैं म्यूजिक बना रहा था। हसलपुर को मैं कोविड के टाइम पे मिला था एंड उस समय मैं उनसे मिला तो उन लोग डिस्कॉर्ड पे बैठने लगे, साथ में काम वाम कर रहे हैं। तो तब ऐसा था ना ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन क्लास में कोई नहीं पढ़ता, सब एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ लेंगे या फिर एग्जाम के लिए नहीं पढ़ेंगे, सेम। तो ऐसा रहता था सीन कि अब अगर ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा लोगों, तो बस भाई म्यूजिक बनाओ। उस समय तो ऐसा था, मैं मेरा उस समय ऐसा ग्रोइंग स्टेज था, अगर मैं उस समय पूरी जान रहा हूँ कि म्यूजिक नहीं बनाता ना तो मेरा ग्रोथ नहीं होती, डेवलपमेंट होती नहीं मेरी, कि भाई मैं जैसा म्यूजिक बना रहा था पहले वैसा ही बना रहा होता आज। मतलब तुझे फ्री टाइम इतना मिल गया था। हाँ। वरना पहले दिन के 8-10 घंटे तो आएगा स्कूल में चले जाते हैं, 8 बजे जाओ सुबह, 2 या 3 बजे छुट्टी होती है, 3:30 या 4 बजे तक घर आओ, उसके बाद फिर क्या कहते हैं जो स्कूल का काम है वो करो, फिर म्यूजिक बनाने बैठो, फिर अगले दिन फिर स्कूल हो जाता है। फिर अब तो आएगा, मैंने सुना है कि सैटरडे की छुट्टियां काट लिया कुछ स्कूलों में, मतलब कल मैंने सुना है क्योंकि सैटरडे की छुट्टी नहीं मिलती है। अब वो मुझे नहीं पता क्या स्कूल में, ब्लेम नहीं कर रहा, ठीक है, जिन स्कूल में नहीं मिलती तो भाई उनके बच्चों के लिए सॉरी, बट कुछ स्कूल में मिलती है, ठीक है। तो सैटरडे संडेज को जैसे नॉर्मल एक 16 साल के बच्चे का, टीनेजर का ये रहता होगा 16 सैटरडे संडे को कि भाई चलो दोस्तों के साथ ग्रुप बनाया घूमने चलते हैं, एडवेंचर आइलैंड हो गया या चलो किसी पार्क वार्क चलते हैं, सीपी पार्क, हम तो सीपी जाते थे, पालिका वाले बन गए थे। कुछ नहीं होगा बट पालिका देख के आ गए, ठीक है, वहां पे एक चक्कर मार लिया इनर सर्कल का, चलो हो गया, एक ड्रीम पूरा हो गया, चाहे वो ड्रीम साल में 20 बार पूरा कर रहे हैं, ज्यादा 20 बार ज्यादा के देख रहे हैं, बट वही ना अलग सेटिस्फेक्शन मिलती है जाके हो गया आगे। बट वैसे अगर एक आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछूं सैटरडे संडे को, तो भाई फ्राइडे को स्कूल खत्म, सैटरडे संडे 2 दिन मिले मेरे को, तो 2 दिन तो कैसे यूटिलाइज करता अपने? पता मैं ऐसा नहीं करता कि मैं पूरे वीक में सिर्फ सैटरडे संडे म्यूजिक बना रहा हूँ। म्यूजिक तो ऐसा रहता है, अब मैं म्यूजिक मोस्टली जो रिकॉर्ड वगैरह करता है, मिक्स मास्टर करता हूँ, सब रात को ही करता हूँ, और रात को कर रहा हूँ, अगर मैंने 11 बजे शुरू कर दिया जैसे तो मेरा 1 बजे तक गाना बन जाएगा, मोस्टली ऐसे ही होता है, या थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा, करके सो गए, स्कूल के उठ जाता, कोई वो नहीं है, अब आदत हो गई है कि मैं लेट सो के उठ जाता हूँ स्कूल के, यूज्ड टू हो चुका है इस काम। तो मैं सैटरडे संडे वैसे ही करता हूँ, मतलब अपने दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है उनको भी टाइम देना जरूरी है, या फिर घर पे फैमिली के साथ कहीं घूमने चले गए, या ऐसे सीन रहते हैं। मैं म्यूजिक के लिए सैटरडे संडे मैक्स जो करता हूँ, जैसे अगर किसी और के जाना है स्टूडियो या किसी और के उधर जैसे में जाता था पहले, तब मैं सैटरडे संडे वहाँ यूटिलाइज करती हूँ, वरना फिर मैं वीक के टाइम पे। वैसे भी तू 16 साल का, लव लाइफ के बारे में क्या ही पूछ सकता हूँ, लव लाइफ हो गई, कोई अल्कोहल कंजम्पशन नहीं, ठीक है, सुट्टा कुछ नहीं पीता, कुछ भी नहीं, शरीफ आदमी बिल्कुल। अरे मेरे मेरे ये भी बच्चा, मतलब बच्चा नहीं, लाइक 17-18 साल का होगा एंड उसको किसी ने सिगरेट ऑफर कर दी होगी, उस बंदे ने पता क्या, इमेजिन कर उसने क्या बोला होगा,
सिगरेट को मना करने के लिए क्या गेस कर गेस कर सर गेस कर कि उसने मना कैसे मना करा होगा पीता नहीं हूँ क्या मतलब भाई मैं स्कूल में हूँ मतलब अगर कॉलेज में होता तो पीता स्कूल में तो नहीं पी रहा कोई लॉजिक बन रही है इस चीज की बट भाई चलो बंदा बच्चा इनोसेंट था वो कोई रैपर बन रहा है वो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उसका बट तुम लोग जानते होगे भाई उसको एक हिंट दे देता हूँ रक्षित के साथ रहता है वो ठीक है अब तुमको समझ जाए तो अभी तेरे फ्यूचर के बारे में लाइक अभी कोई अपकमिंग रिलीजेस वगैरह सब कुछ चल रहा है जो प्लान हो रखे हैं अभी एक दो गाने तो मेरे से सोलो बन रखे हैं जिनको मैं सुन डाल दूंगा और काफी पोटेंशियल है उनमें लाइक वो प्रॉपर आरएनबी वो कर रखे हैं मैंने एंड एक दो दूसरे जॉनर्स पे भी ट्राई किया है आरएनबी डिलीवर फिर से कर रहा हूँ अच्छे बरसात के आर्टिस्ट के साथ तो अभी ये सारे तो हैं प्लान और ये भी चार पांच गाने तो मेरे पास बन रखे हैं जो मैं ऐसे ही डाल सकता हूँ बट वही अभी थोड़ा राइट टाइम का वेट कर रहा हूँ अभी एग्जाम खत्म हुआ है एक चीज बताओ यार तुम आर्टिस्टों को ईडीएम वालों से क्या प्रॉब्लम है मतलब बोला ठीक है आरएनबी हिप हॉप चलेगा थोड़ा ईडीएम वालों को भी मतलब ईडीएम में भी वो करना है यार ईडीएम क्योंकि मैंने बताया ना कौन सा मैंने रॉक कर लिया अब मेरे को ईडीएम करना है वो मेरे को ज्यादा उसकी फील्ड्स नहीं पता कौन सा बेसिकली ऐसा करना है कि मैं गा रहा हूं उसमें ड्रॉप आ जाए अरे मतलब लाइक फ्यूचर बेस होता है हाउस म्यूजिक करना है हाउस म्यूजिक करना है हाउस क्योंकि मेरे को लगता है हाउस मेरी आवाज को सूट करेगा आरएनबी वाले बढ़िया मैं चीज बताता हूं हाउस म्यूजिक में कौन सा जॉनर करना है हाउस म्यूजिक में जॉनर तो मेरे को नहीं पता यार ये सब तो मेरे को नहीं पता नहीं मतलब नहीं इट लाइक ही डीप हाउस है ठीक है आपका जी हाउस भी हो जाता बेस हाउस भी हो जाता फ्यूचर हाउस भी हो जाता इलेक्ट्रो हाउस भी हो जाता आपका ठीक है मतलब बहुत से हैं बट ये इफ यू आर फ्रॉम आरएनबी साइड ना आई हाईली प्रेफर कि भाई आप डीप हाउस पे जाओ क्योंकि डीप हाउस क्या है कि 3 से 4 मिनट तक मतलब अगर मैं रेडियो एडिट की बात करूँ तो इट विल बी लाइक 3 मिनट 20 सेकंड्स या 3 मिनट 50 सेकंड्स ज्यादा नहीं रेडियो एडिट ठीक है अगर फुल एक्सटेंडेड मिक्स लेंगे तो 5 मिनट का जाता है रेडियो एडिट पे जाएंगे उसमें क्या रहता है आप अपना मेलोडिक लेके जा सकते हो टोन्स के साथ खेल सकते हो उसमें आप ड्रॉप होती है उसमें बट वो बहुत हाईली मतलब हाईली करो बहुत ही लो की ड्रॉप रहती है नॉर्मल रहता है अब जैसे कमर्शियल म्यूजिक हो गए प्रोग्रेसिव हाउस हो गए बिग रूम हो गए ये थोड़ा सा एनर्जेटिक ड्रॉप रहता है पूरा बिल्डअप आ रहा है माहौल बन चुका है एटमोसफेयर बन चुका है एंड जैसे अगर सनमन की आफ्टर मूवीज देखी होगी ठीक है या किसी भी ईडीएम फेस्टिवल्स की वीडियोज देखी होगी इतना वो क्या कहते हैं हाइप अप कर देते पंप अप कर देते हैं क्राउड को ड्रॉप आई फायरवर्क्स पूरा बूम पर डीप हाउस में ऐसा नहीं होता डीप हाउस या टेक्नो में ना ऐसा नहीं होता लाइक मेरा खुद का जॉनर यही है तो मैं खुद सुनना और प्ले करना प्रेफर करता हूँ डीप हाउस इज लाइक भाई चिल करना भाई आराम से प्ले करो आप ऑडियंस खड़ी है सुन रही है वो वाइब कर रही है पूरा एकदम से एक हाथ में बियर और एक हाथ में चाहे वो कुछ भी चाहे लाइक दे आर वेविंग देयर हैंड्स पूरे वो वाइब रहती है तो डीप हाउस आई हैव हेलेड इट नाउ हो सके तो कोलैब भी हो सकता है मेरे तो कोई वैसी वाली दिक्कत नहीं है ठीक है तो अभी ऐसा है कि लाइक तेरी एज भी कम है एंड बहुत सारे आइडल्स हैं तेरे दिमाग में जिनको तू मानता है रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी अब जैसे स्टार्टिंग में आपने खुद बोला रफ्तार पाजी का आपने गाना सुना मैच म्यूजिक के साथ ठीक है उस टाइम पे वो आपके आइडल हुआ करते होंगे अभी कौन आइडल आरएनबी में आरएनबी लाइक तू मैं क्लियर करता हूँ ये मेरा लाइक पॉडकास्ट का एंड का ना सबसे फेमस क्वेश्चन रहता है मैं हर आर्टिस्ट से पूछता हूँ दो इंटरनेशनल आर्टिस्ट जिनके साथ कोलैब करना है दो इंडियन आर्टिस्ट अब जरूरी नहीं है वो आरएनबी के ही हो ठीक है बट यहाँ पे तेरे में एक ट्विस्ट है तेरे को दो आरएनबी भी बताने हैं ठीक है हाँ अब पहले दो आरएनबी आर्टिस्ट जिनको तू आइडल मानता है दोनों इंटरनेशनल या योर कॉल आरएनबी है तेरा जॉनर एक एक आर्टिस्ट है बाहर का ब्लैक 6 लाख ऐसे नाम आई नो आई नो वो बहुत क्रेजी है भाई मेरे को वैसा कुछ काम करना है उसका बढ़िया है फिर मेरे को एज सच आरएनबी में भाई सबका गॉड होता है एक होता है वीकेंड बहुत ऊपर की पर भाई बढ़िया बनेगा मैं कह रहा हूँ अच्छा ही बनेगा वीकेंड भाई देख रहे तो आ जाते मेन क्वेश्चन पे यस दो इंडियन आर्टिस्ट दो इंटरनेशनल आर्टिस्ट बियॉन्ड मतलब कोई लाइक चलेगा इंडियन आर्टिस्ट भी हो या इंटरनेशनल सॉरी चाहे वो कोई सा भी जॉनर हो ईडीएम हो तुम्हारा डीप हाउस हो या फिर हिप हॉप हो कोई सा भी जॉनर हो जिसके साथ यू वांट टू कोलैब कि भाई अगर मैं लाइफ में कुछ हासिल कर लूँ मारा तो इस बंदे के साथ वो कोलैब होगा मेरा तो पहले दो इंडियन आर्टिस्ट एक मेरे को यंगस्टा बहुत पसंद है बहुत सरप्राइजिंग बट यंगस्टा मुझे बहुत पसंद है स्ट्रेट फ्रॉम द मोमेंट यस यंगस्टा बहुत पसंद है एक इंडियन तो नहीं पाकिस्तानी बट तना अंजुम के साथ मेरे को करना है भाई गॉड यार तुम्हें तलंजुम ही चाहिए भाई वो ना
भाई उसकी लिखाई है भाई जो एक्चुअली में, अब तो साउंड्स भी बहुत ऐसी कर रहा है उसकी रिसेंट एल्बम में सुनोगे ना ऐसी साउंड्स है आरएनबी को हाउस उसने वो भी किया है डांस हॉल वगैरह सब किया उसने, वो मेरे को बहुत पसंद है वो उसका करना है। एंड गो इंटरनेशनल इंटरनेशनल एक्सेप्ट वीकेंड एंड ब्लैक क्योंकि ये तो आरएनबी साइड हो गया। फिर मैं बोलूंगा मेरे को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस जिसने किया जे कोल का म्यूजिक मुझे काफी पसंद है उनके साथ कर भाई जे कोल के साथ वैसा बनाऊंगा प्रिटी लिटिल फियर जैसे ब्लैक ने बनाया हुआ बनाऊंगा सोच रखा है। सेकंड इंटरनेशनल में तो दूसरा यार एक ट्रैप गाना बनाना है मेरे को लिल बेबी के साथ। लिल बेबी के साथ भाई मैच कर जाएगी यार इन गाने तो लेंगे वही तो अभी यही तो कर रहा हूं मैं जॉनर बदल रहा हूं अभी मैं वो ट्रैप मेलोडिक जोन में मैं कर लूंगा कुछ अच्छा बना ही लूंगा लाइक लिल बेबी पूरा अलग ही हो गया मैं तो सोच भी नहीं रहा था कि लिल बेबी। हां मेरे को पता है बट मैंने ना एक गाना बनाया था लिल बेबी का कुछ गाना सुना था मैंने उसके बीट का स्ट्रक्चर होता है ना बहुत अलग होता है बहुत वो शायद 3/4 कहते हैं पता नहीं मुझे याद नहीं क्या बोलते हैं बट उसका हाई हैट पैटर्न वगैरह बहुत अलग रहता है मेरे को उसका म्यूजिक काफी सही लगा तो मैंने उसके जैसे बनाया था गाना वो था इन द स्ट्रीट्स नाम है मेरा गाने का उसका भाई वो मेरे को करने में इतना मजा आया था ना क्योंकि उसमें फ्लोज ऐसे खींचने होते हैं कि वो बीट पे बढ़िया बैठे तो मेरे को वैसा कुछ करना है अगर कभी वैसे तो नहीं मिलेगा बट लिल बेबी काफी सही होगा। एंड एक चीज है मैंने स्टार्टिंग में नहीं पूछा बट अभी एकदम से दिमाग में स्ट्राइक हुई चीज एज यू नो हमारा स्क्रिप्टेड नहीं होता तो अभी एकदम से स्ट्राइक हुई लाइक प्रोडक्शन भी यही कोई 4 साल हो गए प्रोडक्शंस करते हुए उसमें थोड़ा सा कम टाइम हुआ है उसमें हुआ बट एज यू सेड कि मिक्सिंग मास्टरिंग पहले आ गई थी एंड मिक्सिंग मास्टरिंग के बारे में मैंने बहुत से लोगों से सुना अबाउट यू तो इसलिए इस चीज़ को मैंने एंड में ही पूछना था भाई मिक्सिंग मास्टरिंग में तूने खुद कहाँ से सीखी। मेरे को सबसे बड़ा भाई मेरा गाइड अंश ने मेरे को बेसिक सिखा दिए उसके बाद मैंने कहीं यूट्यूब के ट्यूटोरियल होते हैं ना वो ना बहुत ज्यादा भी हेल्प नहीं करते क्योंकि वो 100% सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं उनमें से तुम्हें सही इन्फॉर्मेशन खींच के निकालनी पड़ती है तो मैंने इंस्टा रील्स पे तो बहुत ज्यादा वाहियात चीजें बताते हैं भाई गलत गलत चीजें तो वही मैंने ना सिर्फ 20-25 ट्यूटोरियल देखे थे उनमें से जो मेरे को बेस्ट चीजें लगी कोई इफेक्ट हो गया वगैरह वो सब चीजें सीख ली ईक्यू कैसे करना है वो सब सीख लिया उसके बाद तो मेरे साथ प्रैक्टिस सबसे ज्यादा मेरे को लगी है उसमें क्योंकि मैं मेरे को समझ में आ गया यहाँ पे कौन सा लगेगा इसको अगर ऐसी साउंड देनी है तो क्या लगाना पड़ेगा तो शुरुआत अंश ने मुझे सिखाया उसके बाद मैं मिक्सिंग मास्टरिंग में आया मेरे को सेम बीट प्रोडक्शन में मेरे को अंश ने लाया मेरे को करनी नहीं थी बीट प्रोडक्शन फिर उसने सिखाई मेरे को उसके बाद मेरे को मजा आने लगा उसमें भी फिर मैं बीट प्रोडक्शन के अंदर भी घुसा तो अंश का एक गाना है 11/11 उसकी मैंने बीट बनाई थी वो भी काफी अच्छा चला तो मेरे को वहीं से ही आया सब कुछ अंश की साइड से और फिर मैंने खुद से थोड़ा बहुत अपनी साउंड मैंने लोगों से सुना भाई लोगों से सुना कि मैंने तेरे ट्रैक्स भी सुने हैं तो तूने खुद मिक्स मास्टर करा है ना लाइक भाई ये मतलब लाइक पिछले साल सुने थे तो तू 15 साल का होगा लेकिन कि भाई ये 15 साल का बच्चा जो है वो इतनी जी फाड़ मिक्सिंग मास्टरिंग कर रहा है एंड लोग इससे करवाना चाह रहे हैं कि भाई हमें अपना गाना सिकलॉट से करवाना है तुझे पता नहीं होगा बट एक दो गाने मेरे पास भी आए थे कि भैया ये सोलो इससे क्लॉट नहीं करा है आप बताओ क्या चेंजेस हो सकते हैं इसमें उन बंदों का नाम नहीं लूंगा बट मैंने भाई यही बोला था तभी मुझे पता चला कि भाई ये बंदा 15 साल का और ये ऐसी मिक्सिंग कर रहा है भाई मैंने कहा भाई नो डाउट अब बाकी तो एक चीज़ मेन है प्रैक्टिस भाई कोई भी आर्टिस्ट अगर भाई तुम सुन रहे हो तो प्लीज जितने मर्जी ट्यूटोरियल्स देख लो जितने मर्जी लोगों के साथ बैठ जाओ बट इन द एंड भैया भाई तुम्हें खुद प्रैक्टिस करनी है जब तक तुम खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना भाई तुमने जो भी सीखा होगा ना वो सब पानी में बह जाएगा क्योंकि जो चीजें तुम भाई समझते हो सीखते हो ना जब तक तुम लैपटॉप पे नहीं बैठोगे या जब तक तुम खुद काम नहीं करोगे ना तुम्हें वो चीजें आएंगी नहीं एक्सपीरियंस ऐसे ही गेन होगा एक्सपीरियंस ऐसे नहीं है कि तुम बैठ गए बड़े बंदे के साथ हो गया तुम्हें खुद भी अपने एफर्ट्स डालने होते हैं भाई लोग खुद ही बोलते हैं हमने इतने लोगों से बैठ गए ये कर दिया वहाँ फलाना स्कूल चले गए बट हम लोग ग्रो नहीं कर पा रहे कहाँ से करोगे ग्रो दिन में 10 घंटे तुम ट्यूटोरियल देख रहे हो ठीक है 2 घंटे तुम लैपटॉप पे बैठ रहे हो जिसमें 1 घंटा तुम अपना सीओडी खेल रहे हो या कुछ भी गेम खेल रहे हो फिर 1 घंटा तुम अपना डॉग खोल के बैठ रहे हो ऐसे नहीं चलता। बट भाई इस पॉडकास्ट को भी यही खत्म करते हैं क्योंकि भाई अभी आपके बहुत रिलीजेज आने वाले एंड अभी भाई दर वाले टॉक शो के अलावा भी बहुत सारी चीज है तो प्लान है भाई हर आर्टिस्ट के साथ चाहे वो डुओ हो चाहे वो क्या कहते क्रू हो ग्रुप हो पूरा या तो सोलो आर्टिस्ट हो ठीक है भाई अभी तो मेरा पता क्या मन कर रहा है कि एक बेली कोर से एंड सिकलॉट के साथ एक पॉडकास्ट हो जाए बट पहली को से पहले आ गया था ठीक है बट नो डाउट सून टू बी इन दोनों का भी बहुत जल्दी पॉडकास्ट आएगा आज नहीं बट कुछ रिलीजेस हो जाए तो रिलीज के बाद हम जरूर बुलाएंगे सिकलॉट को। बट भाई मैं एक चीज़ बताता हूँ मेरा फर्स्ट टाइम था ये
कि भाई मैं 16 साल के बच्चे के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ एंड मुझे लगा नहीं कि भाई 16 साल ऐसा लग रहा था कि 18 प्लस या 19 साल का बच्चा मैच्योर बातें हो रही है, वरना यार मैं 16 साल का था, मैं बचकांडा था यार मेरे से अगर कोई ऐसे ना शांत नहीं बैठ सकता ऐसे 16 साल की उम्र में। मेरा एडिटर खुद, हम दोनों शांत नहीं बैठते थे अपनी क्लास में 16 साल की उम्र में। कौन सी क्लास में थे भाई, 10वीं 11वीं कौन सी में थे? तू 11वीं में आज हुआ था, 11वीं में था उस टाइम, 10वीं में हुआ। हाँ ये बंदा पूरे स्कूल क्लास को हंसाता था जबरदस्ती, मैं और मेरा दोस्त हंस रहे हैं इसके जोक पर, जो अपने पुराने हॉस्टल के किस्से सुना रहा है मतलब हम लोग भाई हम लोग सीरियस नहीं थे अपनी लाइफ में, बट बहुत अच्छा लग रहा है कि आज की जनरेशन इतनी सीरियस है। एंड भाई एक चीज जो तूने कसम खाई है, म्यूजिक नहीं छोड़नी, हैट्स ऑफ भाई, थैंक यू, बहुत सही चीज है। गाइस इस पॉडकास्ट को यही खत्म करते हैं ठीक है, क्योंकि भाई सिकलॉट भाई को अभी जाना है। एंड हाँ तुम्हें मैं बता दे रहे कहाँ दे रहे, बेलिकोसे भाई के पास ही जा रहे हैं तो भाई वैसे तो बहुत अच्छा लगा एंड थैंक्स फॉर कमिंग वंस अगेन, क्योंकि भाई अभी बहुत जरूरत है आर्टिस्टों की एंड तुम जैसे आर्टिस्टों के साथ बात करने में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे एंड जो आर्टिस्ट एंड जो व्यूअर्स देख रहे हैं, जो लिसनर्स देख रहे हैं पॉडकास्ट, उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि भाई तुम्हें कितनी भरवानी पड़ी है या कितना स्ट्रगल हुआ है, एकदम से कोई फटता नहीं है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वही चीज अगर मेरे छोटे से टॉक शो से ये मैसेज अगर कन्वे हो पा रहा है एंड यू गाइस आर सपोर्टिंग सच आर्टिस्ट, तो भाई इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। हमें इंटरनेशनल जाने की जरूरत नहीं है, हमारे इंडिया में बहुत से आर्टिस्ट भरे पड़े हैं ऐसे छोटे छोटे आर्टिस्ट, इनको मौका दो, इनको स्टेजेस दो, ये परफॉर्म कर रहे हैं तो इनके लिए प्लीज जाके आप टिकट खरीदो। ज्यादा टिकट महंगी नहीं होती यार, 100-150-200 रुपए की होती है, मैक्स मैक्स 500 रुपए की होती है यार, 500 रुपए तुम 10 बंदों को मोमोज खिला दो यार, 50 रुपए की प्लेट होती है ठीक। तो गाइस मिलते हैं अब सीधा नेक्स्ट एपिसोड में द ओनली टॉक शो के, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बट हाँ जाने से पहले प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, सिक लॉट एक बार इन्हें बोल दो क्योंकि तेरे कट्टर्स वो है भाई, फॉलो कर लेंगे भाई, सब्सक्राइब कर लेंगे, प्लीज बोलना भाई, अनिल भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लाइक कर दो वीडियो, कमेंट भाई बहुत बेकार बोल रहा है, मैं तो बोल रहा था भाई प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके मिलते हैं सीधा नए एपिसोड में।